अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत कर्ली क्यू नेकलेस जो है बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बनता है, इसके ये कर्ल्स बनते हैं इसलिए इसे कर्ली क्यू बोलते हैं। ये इसके देखिए पांच जो हैं ये पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये सबसे नीचे वाला इसका हैंगिंग पार्ट होगा, ये ऊपर दो पार्ट बनेंगे और फिर उसके ऊपर दो पार्ट, और ये पीछे से गर्दन में आप इसको वो करेंगे पहनने के लिए है ये। तो सबसे पहले जो होगा ये, अगर आप देखें इसका ये जो है, ये देखिए ये ओवरऑल इस तरह है इसकी लुक। सबसे पहले यहाँ मैं जो है ये स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले चेन्स बनेंगे, यहाँ 35 चेन्स बनेंगे, 35 चेन, उसके बाद ये वाला हिस्सा बनेगा, फिर उसके बाद 35 या 35 चेन, फिर ये हिस्सा, फिर ये बड़ा वाला हिस्सा होगा जो पीछे की तरफ आएगा। उसके बाद जो है ये आप इसका ये जो है ये आप 50 चेन भी रख सकते हैं और 70 चेन भी इसके, फिर ये हिस्सा बनेगा, फिर 35 चेन ये हिस्सा, फिर इसके 35 चेन, और आखिर में ये जो लटकने वाला नीचे हिस्सा है ये बनेगा। और ये जो सबसे पहले 35 चेन ये मैंने बनाए हैं, इसको मैं यहाँ से फिर इसके साथ जोड़ दूँगी। ये जो मैंने सबसे आखिर वाला हिस्सा बनाया होगा यहाँ से ये जुड़ेगा। तो इस तरह ये मुकम्मल हो जाएगा ये वाला नेकलेस जो है, ये कर्ली क्यू नेकलेस। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं इसको। ये देखिए, इसके लिए ये मैंने धागा लिया है और उसके साथ ये मोती या बीड्स पहले ही मैंने डाल के रख दिए हैं। टोटल 225 मोती जो हैं इसमें इस्तेमाल हुए हैं, 225। सबसे पहले मैं चेन बनाऊँगी। धागा थोड़ा सा मैं लंबा इसके लिए रखूँगी ताकि, क्योंकि इसी ये जो धागा है इसके साथ फिर मैंने आखिरी वाला कनेक्ट करना है, तो थोड़ा सा आप पीछे धागा ज़रा लंबा छोड़ दिएगा। उसके बाद जो है मैंने 35 चेन जो है ये बनाने हैं, 35 चेन्स। तो शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। चलिए फिर मैं आपको ये पूरे जो है ये बनाकर 35 चेन जो है फिर आपको ये मिलती हूँ। ये देखिए, ये मुकम्मल हो गए हैं यहाँ मेरे 35 चेन, 35 चेन्स। अब हुक वाली चेन को छोड़कर चौथे चेन के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। डबल क्रोशिया स्टिच जो है, ये देखिए ये किस तरह बनता है कि बल दे के चौथे चेन के अंदर, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथे चेन के अंदर बल दे के मैं क्रोशिया को डालूंगी। ये देखिए, तीन बल आ जाएंगे मेरे क्रोशिया के ऊपर। पहले मैं दो में से निकालूंगी, फिर दो बल आएंगे और फिर दो में से निकालना है। तो ये होता है डबल क्रोशिया स्टिच। मगर यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको डबल क्रोशिया स्टिच को चेंज करना है कि जब ये दो बल रह जाएंगे मेरे इसके ऊपर, क्रोशिया हुक के ऊपर, तो मैंने अब इसके अंदर एक बीड या मोती डालना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से एक मोती लाऊँगी और इसको इसके अंदर डाल के फिर जो है ये क्रोशिया से निकालूंगी। ये देखिए, और अब इसी तरह जो है मैंने ये सारे बनाने हैं। पहले जो चेन है उसके अंदर मैंने तीन डबल क्रोशिया स्टिच, तीन दफ़ा मोती डाल के, ये देखिए तीन जब आएंगे आपके उसके ऊपर, तो पहले आप निकालेंगे तो दो आ जाएंगे बल। अब मोती डालना है इसको, इस जो है जगह पर मोती डालना है। ये बन गया दूसरा जो है डबल क्रोशिया स्टिच पहले चेन के अंदर। अब मैंने एक चेन के अंदर तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, इससे ही वो इसकी कर्ली लुक आएगी, उसका बल आएगा। ये देखिए, तीन आ गए, पहले दो में से निकालना है, ये दोबारा दो रह गए हैं, तो अब इस दो के अंदर भी मैं एक मोती डाल के फिर इसको, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें डबल क्रोशिया स्टिच। अब इसी चेन के अंदर मैंने, ये देखिए एक चेन के अंदर तीन डबल क्रोशिया स्टिच मैंने बनाए हैं। अब इससे अगले चेन के अंदर भी मैं तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच,
ये तीन मोती पहले मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि एक चेन के अंदर मैंने तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं और तीनों में मैंने मोती डालना है। तो ये तीन पहले मैंने अलग कर दिए, ये पहला बन गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच दूसरे चेन इसी चेन के अंदर, और फिर तीसरा। ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच इस चेन के अंदर। अब इसी तरह मैंने आगे सारे चेन्स के अंदर, ये दो देखिए दो मैंने बनाए हैं चेन्स के अंदर छह डबल क्रोशिया स्टिच, और ये देखिए ये इसका डिज़ाइन जो है पीछे की तरफ बनेगा। अब मैं तीसरे चेन के अंदर भी इसी तरह डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाती जाऊंगी। यहाँ से ये मैंने दूसरे में किया और यहाँ मैं मोती डालूंगी इसको। ये तीन मोती पहले से मैं अलग कर लूँगी, ये पहला बन गया डबल क्रोशिया स्टिच, ये बन गया दूसरा, और ये अब मैं तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच उसी चेन के अंदर जो है ये बनाऊंगी। ये देखिए ये मैं आपको इसकी, ये तीन चेन के अंदर मैंने नौ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं और हर चेन के अंदर मोती भी डाला है। तो इस तरह इसकी ये लुक आएगी। ये देखिए ये नौ डबल क्रोशिया स्टिच है। अगर आपको कुछ भी गिनने में मसला हो तो आप मोती गिनकर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। ये देखिए तीन ये चेन है और इसके अंदर मैंने बनाए हैं नौ डबल क्रोशिया स्टिच, यानी हर चेन के अंदर तीन डबल क्रोशिया स्टिच एक एक मोती के साथ। तो ये इसकी फाइनल लुक आ रही है। इसी तरह अब मैंने टोटल जो है ये 15 चेन के अंदर मैंने ये तीन तीन करके हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, यानी टोटल मेरे बनेंगे 45 चेन जो है डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको कंप्लीट ये देखें इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये टोटल बने हैं 45 डबल क्रोशिया स्टिच, और यानी 15 चेन के अंदर बने हैं। तो आप अगर आपको ये याद ना रहे कि कोई चेन कम या ज़्यादा हुआ है, तो चेन गिन ये मोती से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गिनकर। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने किया है चेन बनाया है, और अब ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने ये डबल क्रोशिया इसको टर्न करके अब मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी उस जगह पे। ये देखिए जिस जिस जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है वहाँ मैं अब सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो ये टोटल जो है मेरे 45 बनेंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच। आप चाहें तो साथ काउंट कर लें ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए ये इस तरह इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेंगे सबके ऊपर। 45 चेन के बाद जो है मैं आपसे फिर मिलती हूँ जब ये मुकम्मल हो जाता है। ये देखिए यहाँ मैं पूरा इस तरह ये बनाऊँगी आखिर तक। ये आखिरी दो रह गए हैं मेरे सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये सेकंड लास्ट में मैंने बनाया, और ये लास्ट आखिरी जो है इसके अंदर मैंने बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये पूरी रो जो है इनकी सिंगल क्रोशिया स्टिच की मुकम्मल हो जाएगी। ये बन गया है मेरा आखिरी सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब ये एक कर्ली क्यू चेन जो है ये पूरा कम्प्लीट हो गया। ये देखिए ये इसकी इस तरह शेप आएगी। ये देखिए ये इस तरह खुद ही बल खा के ये खुद ही हो जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं 35 चेन बनाऊंगी, 35 चेन 35। ये देखिए इस तरह यहाँ मैं पूरे 35 चेन जो है ये बनाऊंगी।
ये देखिए इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कर्ल कैसे देना है, इसकी शेप कैसे। ये देखिए ये इस तरह ये इसके कर्ल बनेंगे। आप इसको हाथ से थोड़ा सा आप इसको घुमाएंगे तो ये इसके अंदर जो है इस तरह इसकी शेप बन जाएगी, कर्ली बन जाएगा ये इस तरह। ये जो पहला मैंने कंप्लीट किया है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो जो पहला कर्ली क्यू जो मैंने बनाया है ये देखिए इस तरह इसकी शेप आएगी। ये देखिए इसके बाद मैंने 35 चेन बनाए हैं और उसके बाद अब मैं दूसरा कर्ली क्यू जो है बनाना शुरू करने लगी हूँ। इसके लिए फिर दोबारा मैं उसी तरह करूँगी कि चौथे हुक वाले चेन को छोड़कर चौथे चेन के अंदर जो है मैं ये पहला से डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए तीन बल आए, पहले दो बल में से मैंने निकाला और फिर जब दो बल रह जाएंगे तो अब इसके अंदर मैं मोती डाल के इसको मुकम्मल करूँगी। तीन मोती पहले से आप अलग कर दें क्योंकि एक चेन के अंदर जो है वो तीन डबल क्रोशिया स्टिच और हर डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर एक मोती जाएगा, तो एक जो है चेन जिसके अंदर तीन डबल क्रोशिया स्टिच जाएंगे उसके लिए तीन मोती चाहिए होंगे। ये देखिए ये पहला जो है ये मैं अपना चेन बना रही हूँ, ये डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ, इसी चेन के अंदर अब मैंने तीन बनाने हैं। ये बन रहा है दूसरा, ये बनने वाला है इसके अंदर तीसरा चेन डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये इसकी इस तरह लुक आएगी। अगले के अंदर फिर मैं अगले चेन के अंदर इसी तरह मैंने फिर तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये बन रहा है पहला डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए तीन चेन पहले से मैंने अलग कर लिए हैं। ये दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच, और ये अब बनाने लगी हूँ मैं तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच। यानी ये पहले चेन के अंदर जो है वो तीन बनाए हैं, दूसरी चेन के अंदर फिर तीन, तो टोटल बन गए हैं छः। अब देखिए ये आपको मोती भी नज़र आ रहे हैं तो इससे भी आराम से आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद सेम मैं यही प्रोसेस दोहराऊंगी। तीन मोती पहले मैं अलग कर लूँगी, उसके बाद मैंने जो है अगले चेन के अंदर फिर तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, हर डबल क्रोशिया स्टिच में करना है, और टोटल 15 चेन के अंदर मैंने 45 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। और जिस तरह ये बनी है इसकी शेप इसी तरह बनेगी कि पहले ये सारे बनेंगे उसके बाद मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच ऊपर बना के अपना दूसरा कर्ली क्यू भी कंप्लीट करना है और इसी तरह सारे बनेंगे। ये देखिए यह मैंने अपने सारे जो हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैंने आखिरी जो बनाया है इसके बाद इसको मैंने इसके अंदर सी दिया है, जो भी इसका बाहर धागा था एक्स्ट्रा, ये है मेरा लास्ट जो मैंने कर ली। टोटल मैंने 5 जो हैं ये बनाए हैं। ये देखिए मैं सारे आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था, सबसे पहले 35 चेन बनाए थे, फिर एक कर्ली क्यू बनाया, फिर 35 चेन, फिर कर्ली क्यू। ये देखिए ये जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था, अब ये जो यहाँ से मैंने धागा इसीलिए बोला था लंबा छोड़ना है क्योंकि अब ये जो आखिरी वाला है यहाँ से इसको मैंने इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए इस जगह पर मैं स्लिप स्टिच से इन दोनों को आपस में जोड़ दूँगी तो इस तरह ये पूरी इसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए ऐसे इसकी शेप बन जाएगी। यहाँ से जो है ये जो मैंने सबसे पहला लंबा धागा छोड़ा था 35 चेन्स, इसके अंदर मैं डालूँगी और ये जो आखिरी सबसे मैंने बनाया है इसके बिल्कुल शुरू में यहाँ से मैं इसको जो है इन दोनों को आपस में जोड़ दूँगी। ये स्लिप स्टिच से इनको आपस में दोनों को, ये देखिए यहाँ मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी और इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगी। यहाँ मैंने एक चेन बनाया है और फिर मैं दो तीन जगह पे और इसको ये बनाऊंगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी ताकि ये मुकम्मल मजबूती के साथ जो है ये जुड़ जाए। ये देखिए यहाँ मैंने इन दोनों को मुकम्मल सेम मजबूती के साथ आपस में जोड़ दिया है और इस तरह ये मुकम्मल हो गया है मेरा कर्ली क्यू नेकलेस जो है।
ये देखिए, ये इसकी कंप्लीट लुक है। ये देखिए, अब आप इसका साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बीच में चेन्स की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो है मैं बाकी ये जो मैंने कर्ली क्यूज़ बनाए हैं इनके भी चेन्स आप कम या ज़्यादा करके इसको छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इवन कि अगर आप इसको और ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाले दो जो हैं ये निकाल के, अगर आप सिर्फ़ तीन से भी जो है, जैसे देखिए, अगर आप सिर्फ़ ये आगे वाले तीन से ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पीछे वाले दो जो हैं यहाँ से निकाल दें आप ये दोनों, और ये जो पीछे चेन है इसको लंबा कर दें। इसमें ये 50 चेन की बना दें या आप 70 चेन बना दें, इसको यहाँ से ये आगे रहने दें, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से, और इस चेन को बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगी। तो अब आप ये आप पे है कि आप इसका साइज़ कितना बनाना चाहते हैं। मेरे का इसकी फ़ाइनल लुक ये है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।